بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم students आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अब हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। आप सब अपनी अपनी किताबें खोलें। सफा नंबर 7। क्या आपने अपनी किताबें खोली? प्यारे बच्चों, कल हमने सफा नंबर 5 और 6 की दोहराई की थी, आज हम सफा नंबर 7 और 8 की दोहराई करेंगे। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने ये सबक पहले पढ़ लिया है, यानी कि आप इसे पहले पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों ने इसकी दोहराई करनी है। यानी कि अगर आप लोगों को नहीं याद तो आप इसको दोबारा से याद कर लें। दरूद इब्राहिमी के बाद पढ़ी जाने वाली दुआ, उसके अल्फाज मायनी, तर्जमा और उसकी तफसीलात या तफसील। सफा नंबर 7 यानी कि दुरूद इब्राहिमी के बाद पढ़ी जाने वाली दुआ, और सफा नंबर 8 दुआ। ठीक है, आप लोगों ने इस दुआ को भी याद करना है, इसके अल्फाज मायनी तर्जमा याद करना है। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने सफा नंबर 7 और 8 की दोहराई करनी है, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं। तो अब हम इंशाल्लाह कल अपने अगले सबक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।